अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्योंकि आज हमने चैप्टर नंबर 11 जो है ये स्टार्ट करना है, तो इसके शुरू वाले जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए डेफिनेशन जो है, पहले आप इस चैप्टर में पढ़ोगे क्या, हीट एंड थर्मोडायनामिक्स। हीट का जो है इसमें ऐसा ज्यादा जिक्र नहीं किया गया, हीट का थोड़ा सा एक क्वेश्चन है, ज्यादा इसमें हम स्टडी करेंगे अबाउट थर्मोडायनामिक्स और ये है कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू मैकेनिकल वर्क। जितनी तरह के भी इंजन आप देखते हो इनके अंदर हीट एनर्जी को कन्वर्ट किया जा रहा है मैकेनिकल वर्क, ठीक है। तो इस चीज को हम स्टडी करेंगे, यहाँ पे हम इसके कुछ बेसिक लॉस डिस्कस करेंगे और इस तरह की चीजें जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला है बेटा आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज जो फ्राइडे को फुल बुक का टेस्ट है वो स्कीम के अकॉर्डिंग ही आएगा, जो प्रीवियस स्कीम है उसके अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। फुल बुक जो टेस्ट आ रहा है आपका, जो प्रीवियस स्कीम है, जिस तरह से प्रीवियस जो हमारे पेपर्स थे उनके मुताबिक होगा। फर्दर जो है मैं आपसे शेयर कर दूंगा, परसों शेयर करूंगा कि उसमें लॉन्ग और शॉर्ट किस तरह की, ठीक है। वेडनेसडे को बेटा आपसे शेयर कर दूंगा कि टोटल किस तरह की में होंगे। फिर आप व्हाट इज काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, आज की हुआ है अनाउंस क्लास का, एनसीएस में होगी नहीं होंगे। आपके पास एक ये कंटेनर है, लेट अस कंसीडर कि इस कंटेनर के अंदर भी आपके पास गैस है, तो इस कंटेनर का वॉल्यूम होगा 5L और इसके अंदर नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इनक्लूड होंगे, इसमें हम यू बता सकते हैं अ फाइनाइट वॉल्यूम कंटेन्स सामना ये शक्ल करते हैं 2921 लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। फर्स्ट पॉइंट, उसके बाद ये जो मॉलिक्यूल्स का साइज है दैट इज मच स्मॉलर देन द डिस्टेंस बिटवीन, ठीक है। यानी गैस मॉलिक्यूल्स आपने देखा होगा गैस को हम इजीली स्क्वीज कर सकते हैं, तो एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करके हम इनके डिस्टेंस को रिड्यूस कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। गैस के मॉलिक्यूल्स का जो डिस्टेंस है वो इनके एक्चुअल साइज के मुकाबले में बहुत ज्यादा होता है। तो दूसरा पॉइंट आप लिखोगे डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज मच लार्जर देन देयर साइज, ठीक है। ये पॉइंट्स में मेंशन है, 237 में 5 पॉइंट्स है, वो मैं आपसे डिस्क्राइब कर रहा हूं बंदर। उसके बाद मॉलिक्यूल्स आर कंटीन्यूअसली इन रैंडम मोशन, यानी कि ये जो पार्टिकल है ये मूव करता हुआ इधर भी जा सकता है, यहाँ से मूव करके इधर भी आ सकता है, इधर से इस तरफ को भी,
यहाँ पे भी यानी किसी भी डायमेंशन में इसकी मूवमेंट की फ्रीडम जो है वो हर तरफ ये मूव कर सकता है, लेकिन ड्यूरिंग ईच कुलेयन जब ये हर कुलेयन के दौरान जब ये बॉल से कंटेनर की स्ट्राइक करेगा इसकी डायरेक्शन तो चेंज होगी लेकिन मैग्नीट्यूड ऑफ जो वेलोसिटी है दैट विल रिमेन सेम। तो हम कहते हैं कि जी ड्यूरिंग द कुलेयन direction of movement changes magnitude remain same। यानी अगर हम three dimension की बात करें x axis y axis z axis तो ये किसी भी axis के along move कर सकते हैं अच्छा जी। उसके बाद नेक्स्ट बेटा फोर्थ आपका जो है वो कुलेयन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल्स इज परफेक्टली इलास्टिक। और फिफ्थ है मॉलिक्यूल डू नॉट एग्जर्ट फोर्स ऑन ईच अदर एक्सेप्ट व्हेन दे कोलाइड विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स। यानी कि जब वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं या वॉल्स के साथ टकराते हैं तो तब तो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं, अदरवाइज दो मॉलिक्यूल एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ना होने के बराबर यानी कि नहीं होती, सिर्फ कुलेयन के दौरान जो है वो एक दूसरे से जब कोलाइड करते हैं वॉल्स के साथ कंटेनर भी या आपस में तो ड्यूरिंग मूवमेंट आपस में टकराते हैं तो तब फोर्स लगाते हैं, वैसे एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करते। ठीक है exert no force on each other। ये 5 पॉइंट्स हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है और इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा अब जो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक करने लगे हैं प्रेशर ऑफ अ गैस, बेटा ये सिर्फ डेरिवेशन ही है, ये ना एज इट इज लॉन्ग में बहुत कम आई है लेकिन पूछा हुआ है क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग जो नेक्स्ट लॉज ऑफ गैस है कन्वर्जन ऑफ प्रेशर इनटू काइनेटिक एनर्जी इस तरह से करके ये चीज़ें पूछी हुई हैं, लेकिन ये जो है ना प्रेशर ऑफ अ गैस बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन पेपर में आया हुआ है। लास्ट जो हमारे फिजिकल एग्जाम हुए थे पिछले साल तो नहीं हुए उससे पिछले साल उनमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है वर्ल्ड हॉल बोर्ड के अंदर। ठीक है तो इस तरह से फिर जो है वो हम इसको जब तक करेंगे तो इसके बाकी जो पॉइंट्स हैं जब तक हमें ये डेरिवेशन नहीं आती होगी वो क्लियर नहीं होगी। तो प्रेशर का गैस का रिलेशन जो है वो हमने अच्छा अब आपने जब इस एक्सप्रेशन को बताना है इसको ड्राइव करना आपने वर्डिंग एज इट इज जो है वो बुक से रटे लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जो डायग्राम बना के आप एक्सप्लेन करते जाओगे वो ही आपका पैराग्राफ करते जाओगे जैसे भी देखोगे आपने एक्सप्रेशन ड्राइव करना है टी इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। ठीक है अब इसकी डेरिवेशन हम देखते हैं प्रेशर ऑफ अ गैस पहले आपने किस तरह से कंटेनर जो है वो इसकी लेंथ विड्थ हाइट सारी सेम है
अब आपने स्किन एक्सिस को मार्क कर दूंगा, जस्ट भी ये देखो इसको एक्सटेंड कर दिया हमने, कह दिया जी एक्स एक्सिस, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया, इसको कह दिया वाई एक्सिस, और इसको कह दिया मैंने जेड एक्सिस। अच्छा बेटा ये ना हमारे पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर का ये जो फेस है ए बी सी डी, इसकी लेंथ का पेज नंबर भी लिख दिया तो लेक्चर में, विड्थ और हाइट तीनों सेम, आरडीए का पेज कोई बताएगा बच्चे मुझे कौन सा है? अब आपने मुझे ये नहीं पूछना सर आरडीए क्या होता है, मुझे अक्सर बड़ा मासूम से सवाल आगे से पूछते रहते हैं। जी पेज नंबर बताओ बेटा क्या है, टू ट्वेंटी फाइव, ठीक है, चैप्टर नंबर 11 और इसका लेक्चर नंबर 1, हम चैप्टर 11 का लेक्चर 1 डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, पहले हमने बता देना जी, कंसिडर अ कंटेनर, द लेंथ विड्थ एंड हाइट ऑफ द कंटेनर इज एल, इट्स एरिया वुड बी लेंथ इनटू विड्थ, एरिया वाली एल स्क्वायर, वॉल्यूम क्या होगा लेंथ विड्थ इनटू हाइट, तो ये होगा एल मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय एल, तो वॉल्यूम वुड बी एल क्यूब, लेट In this container, there are large number of gas molecules moving randomly in all direction. Let there be n number of particles. Let mass of single particle be m. एक का मास m है बेटा, अगर मेरे पास n पार्टिकल है तो इनका मास होगा m, जैसे कि देखो मैं आपको कहता हूं कि एक मेरे पास इस तरह के 100 पार्टिकल है, अगर मैं आपको बोलूं कि एक का मास है 1 ग्राम तो 100 का कितना होगा, 1 * 100 करोगे 100 ग्राम। अब अगर सिंगल पार्टिकल का मास है m और मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल है, इस कंटेनर के अंदर n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो फिर मैं टोटल मास को लिखूंगा m into m, ठीक है, इसमें भी मैं मेंशन करूंगा कि टोटल मास मास को ना नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ में मल्टीप्लाई करूंगा m into m। अच्छा अब हमने ना ये जो फेस a b c d है इसके सामने ये वाला फेस है जी ई एफ जी और एच। अब हमने डिस्कस ये करना है कि एक पार्टिकल मूव करता हुआ आ रहा है ए बी सी बी फेस से और वो हिट करता है ई एफ जी एच के साथ, किस तरह से ये देखो जरा, बाकी हम पार्टिकल्स को यहाँ पे नहीं डिस्कस कर रहे, सिर्फ एक सिंगल पार्टिकल देख रहे हैं और उसकी मूवमेंट देखते हैं कि वो आके यहाँ पे हिट करता है EFGH के साथ। देखो जिस तरह से इधर लेट्स कंसीडर कि ये एक सिंगल पार्टिकल है, ये इस फेस से स्टार्ट हुआ मूव करता हुआ आ रहा है इस तरफ को, इसकी वेलोसिटी है v1x, इसका मास है जी m, तो जैसे ही ये फेस a b c d से मूव करता हुआ इसके साथ आगे स्ट्राइक करता है यहाँ पे कुलेयन के बाद, आपको पता है कि कुलेयन इलास्टिक है, इसकी डायरेक्शन चेंज होती है, ये वापस बाउंस बैक होके वेलोसिटी माइनस v1x से वापस चला जाता है।
माइनस वी वन एक्स का मतलब है कि जिस वेलोसिटी से ये आगे टकराया उसी वेलोसिटी से वापस आ जाएगा, लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी। तो मैंने ये देखना कि यहाँ पे ये जो है सिंगल पार्टिकल इस फेस के ऊपर फोर्स कितनी है, और वो फोर्स मैं किस तरह से कैलकुलेट करूंगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के एक्सप्रेशन। ठीक है, तो पहले मैं चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करूंगा और उसके बाद पार्टिकल का इधर से इधर वापस आने का टाइम नोट करूंगा, और फिर ये जो है वो फ्री इसका फोर्स की जो एक्सप्रेशन है इसको ड्राइव करेंगे। तो देखो जरा आप, ये हमारे पास आ जाएगा इनिशियल मोमेंटम is pi और ये वाली m v one s। फाइनल मोमेंटम pf और ये होगा माइनस m v one s। चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी एंड दैट विल बी फाइनल माइनस इनिशियल पीएफ माइनस पीआई। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा तो चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी इज इक्वल टू माइनस एम वी वन एक्स माइनस एम वी वन एक्स। ये देखो पीएफ की वैल्यू थी माइनस एम वी वन एक्स, नेगेटिव ये फॉर्मूले का चेंज कैलकुलेट करने के लिए और इनिशियल था एम वी वन एक्स, इनको ऐड करेंगे तो चेंज की वैल्यू आ रही है हमारे पास माइनस टू एम बी वन एक्स। अब आपने देखना कि अगर पार्टिकल यहां से स्टार्ट हुआ फेस ए बी सी डी से मूव करता हुआ इधर आके स्ट्राइक करने के बाद दोबारा फिर इधर वापस आया, तो देखो आप इसको ड्यूरिंग दिस टोटल जो इसने डिस्टेंस कवर किया होगा इधर से इधर आते हुए एल और दोबारा इधर से वापस जाते हुए एल, तो डिस्टेंस हो जाएगा टू एल। पेयर डिस्टेंसेस अब मैंने ये देखना है कि जो पार्टिकल आके रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम से इसकी फोर्स कितनी लगती है। देखो जरा इसको हम लिखते हैं, let F1x be the force that is equal to change in momentum divided by time, and F1x ये first particle की force delta p क्या आया था minus 2m v1x, और delta t क्या आपके पास आया था 2l divided by v1x, ये v1x divide हो रहा है उतना के multiply होगा तो आपके पास F1x की value क्या आ जाएगी, F1x is equal to minus 2m v1x square divided by 2 2 से कट गया, तो F1x अगर आप देखो जो मैंने कैलकुलेट किया तो F1 बेटा मेरे पास आ जाएगा F1x is equal to minus MV1x square divided by। अब ये वो फोर्स है जो कि पार्टिकल जैसे ही मूव करके वॉल से स्ट्राइक करता है तो वॉल पार्टिकल के ऊपर फोर्स एग्जर्ट करती है और ये बाउंस बैक होते फिर वापस आता है। अब देखो पार्टिकल जब वॉल से स्ट्राइक किया तो उसके ऊपर जो फोर्स लगी, वॉल ने जो फोर्स लगाई वो ये अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पार्टिकल के ऊपर लगने वाली फोर्स होगी। यहां पे हम लिख देंगे अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन force exerted by the particle, action and reaction are equal in magnitude opposite in direction, तो आपके पास आ जाएगा F1x minus ये reaction की वजह से
माइनस एम वी वन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम, इसको सॉल्व करोगे तो फर्स्ट पार्टिकल की जो फोर्स आएगी एम वी वन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। इसी तरह से अगर आप देखो जो सेकंड पार्टिकल है अगर हम उसकी फोर्स इस तरह से कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगी एम वी टू एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। सिमिलरली थर्ड पार्टिकल की क्या आ जाएगी एफ थ्री एक्स एम वी थ्री एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम। और अगर हमने n पार्टिकल की बात की थी तो nth पार्टिकल की फोर्स होगी एफ एन एक्स एम वी एन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय। तो ये इंडिविजुअल हर पार्टिकल की फोर्स आ गई हमारे पास एक्स एक्सिस के अंदर। अगर हम बात करेंगे ये सारे n पार्टिकल कंबाइन जाके अगर हिट करें तो ये सारी फोर्सेस जो है इन सब को ऐड कर देंगे तो टोटल फोर्स विल बी द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑफ द पार्टिकल्स। ये सारी जो फोर्सेस हैं इन सब का सम होगा। तो आप देखो x एक्सिस के अलोंग जो टोटल फोर्स लगेगी इसको फिर मैं यू लिखूंगा टोटल फोर्स जो है इसकी वैल्यू मेरे पास इस तरह से आ जाएगी एफ एक्स is equal to the sum of all the forces acting along x-axis f2x f3x up to so on fmx। अब ना fx आने का मेरे पास ये क्या था m v1 x square over f, ये क्या था m v2 x square over f, इसी तरह से up to so on n क्या आएगा m v n x square divided by। अब अगर मैंने देखना है कि फेस के ऊपर जो ई एफ जी एच का जो प्रेशर एक्सर्ट हो रहा है तो प्रेशर होता है फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया P इक्वल टू एफ ओवर एल। अब मैं ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूंगा एरिया इसका किसके ऊपर था लेंथ इनटू विड्थ एल स्क्वायर के ऊपर, ठीक है। तो अब देखो फर्दर मेरे पास एक्सप्रेशन इस तरह से आ जाएगा
और इन साइड आ गया वी वन एक्स स्क्वायर वी टू एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन वी एन एक्स स्क्वायर। तो ये एन इधर डिवाइड हो रहा है, इसको हम इस न्यूमिनेटर में डिवाइड करके लिख सकते हैं, तो पी एक्स मेरे पास आ जाएगा रो इन टू वी वन एक्स स्क्वायर वी टू एक्स स्क्वायर अप टू सो ऑन वी एन एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन। अब आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर आप किसी चीज की एवरेज कैलकुलेट करते हो तो किस तरह से कैलकुलेट करते हो, नंबर्स को ऐड करके टोटल से डिवाइड कर देते हो। अब मेरे पास ये सारी वेलोसिटीज ऐड हो रही है और टोटल एन से डिवाइड हो रही है, तो इनको डिवाइड करके मेरे पास एवरेज आ जाएगा। तो अब देखो पी एक्स फिर मेरे पास आ जाएगा रो वी एक्स स्क्वायर। ये जो सिंबल मैंने शो किया है ये स्क्वायर ऑफ एवरेज वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस। ये सारी टर्म्स जब मैं ऐड करूंगा टोटल टर्म्स कितनी है एन, किससे डिवाइड कर रहा हूं एन से, तो ये फिर मेरे पास एवरेज वैल्यू आ जाएगी किसके अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग, तो उस एवरेज वैल्यू को अलोंग एक्स एक्सिस मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा एक्सप्रेशन अलोंग एक्स एक्सिस। बाकी इससे नेक्स्ट जो है फिर हम वो फर्दर कल प्रोसीड करें, आपने इसको यहां तक प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। बाकी फिर इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।